फ्रेंड ये हमारे पास आज फाइमोसिस सर्जरी कराने आए हैं जिसमें स्टेपलर सर्कमसीजन करेंगे। तो इनका देख सकते हैं ये टाइट फेनुलम भी है, ये टाइट फेनुलम को हम रिलीज करेंगे, फेनुलोप्लास्टी सर्जरी करेंगे, फिर उसके बाद स्टेपलर सर्कमसीजन। तो देख सकते हैं इनका ओपन हो सकता है पूरा। दर्द तो नहीं हो रहा है? अब रिलैक्स है ना, अब रिलैक्स है ना, ठीक है। इतनी देर का डर था सुन के सुनिए। प्रॉब्लम जो था इनका ये हमने रिलीज कर दिया है। तो करीब 2 सेंटीमीटर इनकी पहले चिपका हुआ था, ये हमने खोल दिया, तो 2 सेंटीमीटर इरेक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं ये फेनुलोप्लास्टी सर्जरी हमने किया, इनका काफ़ी अच्छा हुआ है। अब इसमें हम स्टेपलर सर्कमसीजन करेंगे। स्टेपलर सर्कमसीजन करेंगे, आप देख सकते हैं स्टेपलर है जिसमें स्टिच नहीं लगता है, तो हम इससे सर्कमसीजन करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू सर्कमसीजन करेंगे जिसमें स्टिच नहीं लगता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो अभी आपको पेन तो नहीं हो रहा है, एकदम मिनिमम पेन, कोई पेन नहीं होना। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, डे केयर सर्जरी होती है। तो अभी हम इसमें ZSR सर्कमसीजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्लंजर है, हम ये प्लंजर खोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट को इसमें इंसर्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट हमने, ये प्लंजर हमने डाल दिए, आप देख सकते हैं। अब ये टाई है, ये मिस्टर लॉक को फायर करते हैं। इसमें 10 मिनट लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली इंसर्शन में, लोकल का इफेक्ट आने में, और उसके बाद हम ये सर्जरी कंप्लीट करते हैं। इसमें एक रिंग होती है वो बन जाती है, सिलिकॉन रिंग होती है। तो आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन रिंग इसके ऊपर आ जाती है, जिससे पेनलेस ब्लीडिंगलेस प्रोसीजर होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्टेपलर सर्कमसीजन हमने किया है, इनका सर्कमसीजन कंप्लीट हो गया है। ये लोकल एनेस्थीसिया में किया है। तो कितना टाइम लगा आपको सर्जरी में? 10 से 15 मिनट ना। जैसा कि आपने देखा हमने स्टेपलर सर्कमसीजन किया, तो इसमें हम स्टेपलर से सर्कमसीजन किया, ये सिलिकॉन रिंग है, ये स्वेलिंग है, धीरे धीरे टाइम के साथ सबसाइड हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा इनका शेप आएगा, है ना। तो अभी हमने सर्कमसीजन इनका कंप्लीट कर दिया है, ये थोड़ा स्वेलिंग रहेगी, धीरे धीरे टाइम के साथ वो चली जाएगी। इसीलिए लोकल एनेस्थीसिया दिया रहता है, इसके कारण स्वेलिंग रहती है पेनिस पे, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। इनमें हमने फेनुलोप्लास्टी किया था, तो फेनुलम था वो चिपका हुआ था, उसको रिलीज़ किया, और उसके बाद ये सर्कमसीजन हमने कम्प्लीट कर दिया। अगर आपको सर्कमसीजन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इसी तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कॉस्मेटिक सर्कमसीजन करते हैं। हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो हैं सर्कमसीजन से रिलेटेड।